जहां भी नजर पहुंच रही है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद चुनौती बढ़ती ही जा रही है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहिए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मैं अपने पैसे लेकर मंदिर गई थी, ढोल लेकर निकला थे, आने आने कोई डर नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन कहीं ड्रामा बुला ले। क्या चलिए, क्या चलिए, क्या चलिए, क्यों चले, क्या चलिए, यहाँ का आठ साल कहीं तक खराब है। This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day. पहले 10 लाख केस 231 दिन में हुए, आखिरी 10 लाख केस 19 दिन में हुए थे। कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में तो खुद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि जिले में अभूतपूर्व कोविड संक्रमण फैल गया है। जिले की व्यवस्था चरमराती दिख रही है, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, जांच नहीं हो पा रही। ये तस्वीर अहमदाबाद की है जहाँ पर सिविल अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है। इनमें कोरोना मरीज हैं जिनको अस्पताल लाया गया है, लेकिन अंदर भीड़ इतनी ज्यादा है कि मरीजों को 6 से लेकर 8 घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात के बाद चलते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर। यहाँ एक बेटा 24 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर काटता रहा कि अपने पिता को भर्ती करा सके। बेटा चंद्रपुर से तेलंगाना ले गया, वहां भी बेड नहीं मिला तो वापस लौट आया, फिर यहाँ भी वापस चंद्रपुर में बेड नहीं मिला। गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है, अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो।